आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने पीसी और लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं इन 2020 इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि जितने भी टिप्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो काफी है आपके लैपटॉप या पीसी को स्पीड अप करने के लिए। एंड द बेस्ट थिंग पता क्या है इस वीडियो का, वो ये कि गाइस कोई भी यूजर हो जिसको लैपटॉप अच्छे से चलाना भी नहीं आता गाइस, उनको भी मैं इतने अच्छे से आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि वो भी खुद से अपने घर में फ्रीली लैपटॉप या पीसी को स्पीड अप कर सकते। स्पीड अप मतलब फास्ट करना, ठीक है, ताकि हैंग ना हो, बार बार रुके ना, कैसे आप उसको एकदम फास्ट बना सकते। तो गाइस अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं। तो देखिए गाइस एक्चुअल टिप्स बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिससे आप अपने लैपटॉप को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस स्टेप वन क्या, सबसे पहले स्टेप यही है कि आपके जितने भी टेम्पररी फाइल्स है, जितने भी अनवांटेड एप्स है, सॉफ्टवेयर है, जितने भी आपके एक्सटेंशन है जो आप गूगल क्रोम या मोजिला पे यूज करते हो, जो आपको नहीं चाहिए ना आप उसको डिलीट कर दो। सबसे पहला तरीका तो ये। स्टेप नंबर टू देखिए गाइस, स्टेप नंबर टू क्या बोल रहे हैं, स्टॉप प्रोग्राम्स रनिंग ऑन स्टार्टअप। जब भी आप अपने पीसी को ऑन करते हो या लैपटॉप को ऑन करते हो, ठीक है, किसी किसी का ऑन द स्पॉट यू नो ओपन हो जाता है, किसी किसी का थोड़ा टाइम लेता है, कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेता है, तो गाइस आप उसको स्टॉप कर दो ताकि खाली स्टार्टअप में आपका जो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है वही रन हो, एंड देन बाद में जब आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े तो ही वो स्टार्ट हो वरना ना हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप थ्री देखिए गाइस क्या बोल रहा है कि रेगुलरली आप अपने पीसी में देखिए कि कोई अपडेट आया या नहीं, तो ठीक है अपने पीसी को अप टू डेट रखो और अपने पीसी को नीट एंड क्लीन रखो। बस ये तीन स्टेप आपने फॉलो किया ना गाइस आपका लैपटॉप हो या पीसी हमेशा एकदम फिट एंड फाइन रहेगा, जैसे आप अपने बॉडी को रखते हो या अपने कार या बाइक को सर्विसिंग करा के रखते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले टॉप फाइव टिप्स जिससे आप अपने पीसी या लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हो। लास्ट में एक आपको बोनस बताऊंगा। तो देखिए गाइस सबसे पहला बताना चाहूंगा, नंबर वन इज रिमूव टेम्पररी फाइल्स। तो देखिएगा इस टेम्पररी फाइल्स क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है कि जब भी कोई आप ऐप यूज करो या सॉफ्टवेयर यूज करो, ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए एक फाइल्स को क्रिएट किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस ऐसे और भी बहुत सारे अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स है जिसकी हमें कोई नीड ही नहीं है, ठीक है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और जो हमारे स्पीड को भी कम कर रहे होते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है, पहला टिप्स यही है कि कैसे हम उसको डिलीट करें। तो देखिए गाइस आपको क्या करना है, अपने विंडोज पीसी पे जाना, बेसिकली गाइस मैं विंडोज पीसी के लिए बोलो, अगर आप मैक यूज करो तो वहां पे भी टेम्पररी फाइल्स होंगे, उसको आप डिलीट कीजिएगा। तो गाइस सिंपली विंडोज की को प्रेस कीजिए, आपको लिखना RUN, आपको रन लिखिए, एंड आजकल तो विंडोज 10 में डायरेक्टली ऐसे आ जाता, तो आप इसको इस ऐप को ओपन कीजिए सिंपली, एंड देन यू हैव टू राइट परसेंटेज साइन TEMP, एंड देन अगेन परसेंटेज साइन, एंड आप इसको ओके पे क्लिक कीजिए या एंटर हिट कर दीजिए। एंटर हिट करते गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेम्पररी फाइल्स है उसके पेज ओपन हो चुका है, ठीक है, और ये सब हमें बिल्कुल नीचे से कंट्रोल ए को आप प्रेस कीजिए एंड डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फाइल्स 4GB के आसपास था, तो वो सब अब डिलीट होने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला टिप्स यही है कि आपके जो भी टेम्पररी फाइल्स है उसको आप कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए। तो बेटर यही है गाइस एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आपके टेम्पररी फाइल्स को आप क्या कीजिए गाइस, डिलीट कर दीजिए। एंड गाइस आप जब भी आपके फाइल्स डिलीट हो रहे हो और कुछ इस टाइप का जो आपका यू नो एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए, तो आप सिंपली डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, एंड अगर आपको लगता है नहीं इसकी मुझे जरूरत है तो आप स्किप कर दीजिए सिंपल इस तरीके से। ऑल राइट गाइस आप पहले देख सकते हो कितना था, बट अब बस इतना से ही है, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। ऑल राइट इतना हो चुका है, नाउ अब हम देखते हैं दूसरा क्या। आप देख सकते हो स्टॉप प्रोग्राम्स रनिंग ऑन स्टार्टअप, इसका सिंपल मतलब है कि गाइस जब आप अपने पीसी को ऑन करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब आपका पीसी ऑन हो रहा होता है तो उस समय गाइस ऐसे कुछ और फाइल्स है यू नो जो इसके साथ ओपन होने लग जाते हैं जिससे आपका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो उसको चेक कैसे करें, देखिए आपको अगेन यहाँ पे जाना, नहीं तो आप सिंपली कंट्रोल, नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने लिखा है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप आपको प्रेस करना है, नहीं तो आप सिंपली टास्क मैनेजर पे यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आप मेरा ये जो टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आपको जाना है स्टार्टअप पे, यहाँ पे देखिए स्टार्टअप, इसका मतलब ये जितने भी फाइल्स आपको दिखाई दे रहे, जब भी मैं अपने पीसी को ऑन करूंगा ये सारे फाइल्स उसके साथ अपने आप ऑन होने लग जाएगा, ठीक है, मतलब स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इससे गाइस आपकी पीसी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, जैसे ये यूटोरेंट है मुझे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टअप इम्पैक्ट, मतलब ये कितना इम्पैक्ट दे रहा है, हाई मतलब सबसे ज्यादा, मतलब इसके कारण आपका और टाइम लग रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए राइट क्लिक
एंड सिंपली आप इसको कर दीजिए डिसेबल्ड। तो आप देख सकते हो गाइस ये डिसेबल हो गया, इट मींस अब जब आप पीसी को ऑन करोगे तो उसके साथ साथ ये जो यू टोरेंट वाला फाइल है ये स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप मीडियम देख सकते हो, हाई देख सकते हो गूगल क्रोम, अगर आपको भी ये चाहिए तो डिसेबल कर दीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके कौन कौन से ऐसे फाइल्स दिखाई दे रहे जो आपको नहीं चाहिए कि आप जब पीसी ऑन करो तो वो भी ऑन हो जाए उसके साथ, तो आप यहाँ पे उसको डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। तो हमने पहला देखा, दूसरा देख लिया, तीसरा अनइंस्टॉल अनयूज्ड ऐप या सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस हम क्या करते हैं आज के टाइम में, जब जब कोई नया हमने सुना अरे एक नया गेम आ गया, उसको हमने इंस्टॉल किया, गेम खेलने लग गए एंड देन उसको अनइंस्टॉल किए बिना ही बोर होकर उसको छोड़ देते, तो वैसा नहीं करना गाइस। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लिख दीजिए डायरेक्ट इस तरीके से प्रोग्राम्स, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐड और रिमूव प्रोग्राम पे जाइए, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो गाइस यहाँ पे देखिए राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग में दिखा रहा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। मैं चाहे तो डायरेक्टली आपको बता सकता था कि आप प्रोग्राम्स एंड फीचर पे जा सकते हो, लेकिन ये याद नहीं रहेगा बहुतों को, बस इतना याद रहेगा ऐड और रिमूव, ऐड और रिमूव, तो इसलिए मैंने लिखा। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इस पर क्लिक कर देना, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा उन सारे आपके जो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए गाइस आपको ध्यान में रखना और उसको डिलीट कर देना है। सपोज जैसे ये स्क्रीन लिप, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और इस पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा मुझे नीचे, एंड आपको क्लिक कर देना है यस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जिसका मैं यूज कर ही नहीं रहा फिर भी उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए जो बेस्ट है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हमने इसको भी देखा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो अभी तक हमने तीन देख लिए, पहले तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करो, देन गाइस हमने क्या देखा ऐसे प्रोग्राम जो जब हम पीसी को ऑन करें तो वो भी स्टार्ट हो जा रहा है, वो हमने उसको हटाया देन अनइंस्टॉल किया। नाउ फोर्थ, ये तो गाइस हर एक को करना चाहिए, दैट इज रिसाइकल बिन को आप एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए बहुतों के तो ऑलरेडी वो डेस्कटॉप पे रहता है, लेकिन अगर वैसे नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसाइकल बिन, नहीं तो सिंपली रिसाइकल बिन लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसको करो आप ओपन। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस रिसाइकल बिन का पेज ओपन हो चुका है। बेसिकली जिस भी फाइल को आपने कभी ना कभी डिलीट किया हो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको इसको कंट्रोल ए एंड देन डिलीट पे हिट करना है, लेकिन उससे पहले गाइस आप एक बार अच्छे से चेक कीजिए कि कहीं कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स तो नहीं जिसको आपने कभी ना कभी गलती से शायद डिलीट कर दिया हो और वो यहाँ पे अभी भी दिख रहा हो आपको, तो अगर उसको आपको रिस्टोर करना है तो आप राइट क्लिक एंड देन रिस्टोर कर दीजिए। ठीक है, उन सबको अच्छे से देखिए और जब आपको लगे हाँ भाई इसके अंदर वो सारी ऐसी फाइल्स है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, तो आप सिंपली कंट्रोल ए पे क्लिक कीजिए एंड इस तरीके से आप गाइस डिलीट कर सकते हो, इसको डायरेक्टली डिलीट कीजिए। लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि मैंने बहुत लंबे समय से इसको डिलीट नहीं किया था, तो मैं भी थोड़ा टाइम लूंगा कि मुझे पता तो चले कौन कौन से फाइल्स है। तो फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ डिलीट कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करना है, रिस्टोर तो मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है रिस्टोर कर दो, नहीं तो सिंपली डिलीट पे क्लिक कर दो एंड इस तरीके से पूछेगा क्या आपको परमानेंटली डिलीट करना है इन 20 आइटम्स को जिसको मैंने सिलेक्ट किया। मैं यस, एक बार आपने अगर इसको डिलीट कर दिया गाइस देन आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये फोर्थ वन भी देख लिया। नाउ द लास्ट है, आप अपने पीसी को हमेशा अप टू डेट रखो, जो भी आपको अपडेट्स आ रहे हैं जो, ठीक है, उसको आप पहले चेक करो, उसको रिव्यू देखो कि उस अपडेट के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स है जो मुझे चाहिए मेरे पीसी के लिए जरूरी है या नहीं, जो सिक्योरिटी पैच होती है वो सब आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, देख सकते हो आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे लिखना है अपडेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो चेक फॉर अपडेट्स, तो ओपन पे आपको क्लिक कर देना है एंड वंस आपने किया तो आप देख सकते हो यू आर अप टू डेट, मतलब सब कुछ एकदम सही है। नहीं तो गाइस आप चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके चेक कीजिए एंड अगर आपको लगे कि ये जो अपडेट है ये मेरे बहुत काम का है आप उसको फिर अपडेट कर दीजिए, बस बेसिकली इतना कि अप टू डेट रहिए आप। ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने आपको 5 टिप्स बताए बिलीव मी ये इनफ है, क्योंकि आपने क्या किया टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर दिया, जो भी आपके जो स्टार्टअप के समय जो प्रोग्राम्स अननेसेसरी स्टार्ट हो रहे थे आपने उसको हटा दिया, जो हमें सॉफ्टवेयर्स नीचे था हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, रिसाइकल बिन को क्लीन कर दिया और हम अप टू डेट है। और लास्ट में एक बोनस आपको टिप्स ये देना चाहूंगा कि गाइस आप विंडोज 10 अगर यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एनिमेशन आते हैं जो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके पावर जो है आपकी जो बैटरी उसकी भी थोड़ी कैपेसिटी कम कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि एनिमेशन ना हो, सिंपल आपका जो थोड़ा और स्पीड अप हो जाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने पीसी का जो अपीयरेंस है जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए एनिमेशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली लिखना है एडजस्ट दी अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज, इसको कर देना है ओपन एंड वंस आपने किया तो आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा है कि एनिमेट कंट्रोल्स, एनिमेट ये सारे वो लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर या एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो गाइस सारे अनटिक हो गए। ठीक है, आप ये कीजिए, हो सकता है आपके सारे टिक थे
इस तरीके से, आपको वो नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो कस्टम भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीजिए एंड देन अप्लाई एंड देन ओके पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और मैंने अभी जितने भी आपको टिप्स बताए गए ये सब होने के बाद एक बार पीसी को आप रिस्टार्ट जरूर करना, ताकि वो सारे नेसेसरी चेंजेस जो हमें चाहिए थे वो आपको मिल